श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन में उनके जन्म उत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंच चुके हैं। मान्यता है कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए यहाँ दिन में ही भगवान का अभिषेक चल रहा है। मथुरा व अन्य जगहों पर रात 12 बजे कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा। वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान से शुरू हुई शोभा यात्रा श्री पोतरा कुंड, मनोहरपुरा, गोविंद नगर, संगीत सिनेमा, डी गेट होते हुए वापस श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य द्वार पर पहुँच गयी है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भगवान राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन के मंदिरों में दिन में ही भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख सप्त देवालयों राधा रमन, राधा दामोदर, शाह बिहारी जी में शंख और घंटे घड़ियाल की ध्वनि के बीच भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भगवान की जन्मस्थली मथुरा आ रहे हैं। यहाँ करीब 2 घंटे तक वो पूजा करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से आयोजित श्री कृष्ण उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान, द्वारकाधीश मंदिर, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, रंगजी समेत तमाम छोटे बड़े और घरेलू मंदिरों में भव्य सजावट की गई है, क्योंकि 2 साल बाद ब्रज मंडल में कोरोना भय मुक्त जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, मथुरा।